Assalamu alaikum students, I am Naveed Mehraj with the lecture number 17B exercise 3.2. अच्छा students, आज हमने 3.2 का जो सवाल करना है वो है question number 5 का. मैंने part number 2 लिया है. Evaluate 512 to the base 2 square root. यानी कि आपने इस log की value निकालनी है जब base 2 square root 2. तो ये इसको logarithmic form में लिखे अगर log of 512 to the base यानी कि हम base बनाने ली 2 square root 2 और इसको नाम दे दिया इस सारी चीज को x. ठीक है, अब टारगेट क्या होगा, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे. कैसे निकाल रहे हैं, राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हम करेंगे, 2 square root 2 अपनी जगह पे 512 और x इन दोनों की जगह चेंज हो गई. अगला स्टेप, यहां पे 2 को लिखा हमने 2 की पावर 1, स्क्वायर रूट 2 का मतलब है 2 की पावर 1 ओवर 2, इस होल की पावर क्या है x. अगले स्टेप में 512 को भी लिखा हमने 2 रेज अपॉन 9, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की तो 2 रेज अपॉन 9 बन. फिर यहां पे सेम बेसिस हैं, यहां पे दोनों पावर्स को आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे. तो इसका मतलब 1 और 1 ओवर 2 दोनों ही ऐड होंगे, ये बन जाएगा ऐसे में 2 अंदर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 3/2x. 3/2x कैसे आया, ये तो बन गया 3/2 बाहर पावर है x, ऐसे 3/2x ये साथ-साथ चलता रहेगा. नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं और से देखें, यहां पर दोनों की बेसिस सेम है. अगर दोनों की बेसिस सेम है इसलिए हम कहेंगे कि इनकी पावर को क्या करें, इक्वेट करें. लिहाजा इसकी पावर 3/2x को इक्वल कर देंगे उसकी पावर राइट साइड वाली पावर 9 के ऊपर. ठीक है, अब x निकालना है, लिहाजा ये 3/2 मुकम्मल वहां जाके रेसिप्रोकेट कर देंगे. ये बन जाएगा 2 ओवर 3, कटिंग करें 3 1 3 3 3 9 3 2 7